आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं, क्या बात है जनाब। नंदिनी संजय से चोलबाजी कर रही थी। क्या करूं, नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। संजय ने भी हंसी का जवाब हंसी में दे दिया। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं, इस बार नंदिनी ने संजीदगी से पूछा। तो क्या घर बैठ जाऊं, संजय को गुस्सा आ गया। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, मैं तो यही पूछ रही थी, नंदिनी बोली। जैसा कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा, ठीक है, पर तुम मुझ पर शक कर रही हो, संजय ने कहा। जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ, है ना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, नंदिनी ने कहा। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अच्छा बाबा माफ़ कर दो, मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलें, नंदिनी जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। ठीक है, देखते हैं, संजय ने कहा। एक दिन घर के कामकाज निपटाकर नंदिनी छत पर चली गई थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसन रागिनी खड़ी थी। आओ रागिनी भाभी, अचानक कैसे आना हुआ, नंदिनी ने पूछा। तुम्हें पता है नंदिनी कि आजकल कॉलोनी में क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता। अरे पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर आ गई। नंदिनी ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। नंदिनी ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर में ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। नंदिनी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आने पर वह नंदिनी से लिपट कर रोने लगी। नंदिनी ने भी लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और नंदिनी से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। नंदिनी ने उसे आराम से बैठाया और उसे खाने को 5-6 रोटियां खा गई। तो वह फटाफट, बहुत दिनों से भूखी हो, कौन हो तुम, पड़ोसनी रागिनी ने उस लड़की से पूछा। तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, रेवा रेवा रेवा, नंदिनी पता नहीं यह कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दे। रागिनी ने नंदिनी को सलाह दी, कैसी बातें कर रही हो भाभी, कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी, नंदिनी बोली। देख मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, रागिनी ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। भाभी आपको पता है कि मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ, मैं उनसे बात करूँगी, आप परेशान ना हों, नंदिनी बोली। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर रागिनी चली गई। नंदिनी जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सहमी सी बैठी थी। नंदिनी ने उसे आवाज़ लगाई, रेवा, वह कुछ नहीं बोली बल्कि और सिमट कर बैठ गई। नंदिनी उसके पास गई और पूछा, रेवा नाम है ना तुम्हारा। उस लड़के ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। नंदिनी ने उससे कहा, देखो डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। वह लड़की इतना ही बोली, मेरा कोई घर नहीं है बीबी जी। नंदिनी को हैरानी हुई कि यह तो कहीं से पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने नंदिनी के पैर पकड़ लिए। नंदिनी को उसका बदन गर्म लगा, ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। बीवी जी आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे, नंदिनी बोली। संजय रात को काफ़ी देर से आया था, सो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह नंदिनी ने संजय को उस लड़की के बारे में बताया। संजय ने साफ शब्दों में कह दिया, नंदिनी इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ संजय, लेकिन मैं इसे अभी अपनी संस्था में ले जाती हूँ, मैं रात को घर आऊँ तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, कहकर संजय चला गया। नंदिनी नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को संजय ने नंदिनी से पूछा, क्या वह चली गई, नंदिनी ने कहा। नहीं, क्यों, संजय बोला। संजय उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो अगर तुम अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, नंदिनी ने कहा। मैं पहली बार अपने गाँव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे गाँव का क्या नाम है, पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर नंदिनी को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं।
अभी रेवा को आए कुछ समय ही बीता था कि नंदिनी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। नंदिनी हैरानी में पड़ गई कि अब वह क्या करे। उसने रेवा से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता। लेकिन रेवा का एक ही जवाब होता, बीबी जी मुझे नहीं पता, शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फ़ायदा उठा लिया होगा। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं बीबी जी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। नंदिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने संजय से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत फंसो, अब भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूँ? अब क्या घर से निकालोगी, रहने दो। अब नंदिनी ने अपने पड़ोसियों से बात की, सबने यही राय दी कि उसे फौरन घर से निकाल देना चाहिए। पर नंदिनी रेवा को वहाँ से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। रेवा के माँ बनने का समय भी आ गया था। नंदिनी अब तक एक बड़ी बहन की तरह रेवा की देखभाल कर रही थी। रेवा को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर नंदिनी अपने बच्चों के बचपन की याद में खो गई। ठीक होने के बाद रेवा ने फिर घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह नंदिनी ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक रेवा नहीं आई थी। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद नंदिनी उसके कमरे में आई तो देखा कि रेवा कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। नंदिनी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। नंदिनी ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले संजय साहब मेरे गाँव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीने के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वे अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे ये लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप रह जाती थी। दीदी, अब यह आपका बच्चा है, आप जैसे चाहें इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ कर दो। नंदिनी चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह, उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी संजय और रेवा को एक साथ नहीं देखा था और ना ही दोनों को कभी बातें करते सुना था, तो फिर कब? नंदिनी को लगा कि कमरे की दीवारें चीख कर कह रही हैं कि नंदिनी पगली वह नहीं थी, तू थी, जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। तो दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।